हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वीके फिर आया हूं दोस्तों नई वीडियो की जानकारी लेकर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार कार की दोस्तों, जो है फ्रेंड्स हुंडई कंपनी की तरफ से हुंडई वेन्यू। तो चलिए आज हम इस कार के इंटीरियर की बात करेंगे, एक्सटीरियर की बात करेंगे, इसके एडिशनल फीचर्स की बात करेंगे, इसके इंजन वेरियंट की बात करेंगे, कलर वेरियंट की बात करेंगे, सेफ्टी के लिए आपको इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए आपको इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं, एंड इसके कंपेयर में इस टाइम मार्केट में कौन कौन सी कार अवेलेबल है उनकी बात भी हम फ्रेंड्स आज करेंगे। तो आपको इसी वीडियो में ए टू जेड नॉलेज मिलने वाली है हुंडई वेन्यू को लेकर, एंड फाइनल में बात करेंगे इसके प्राइस वेरियंट की कि किस इंजन वेरियंट में आपको कितने प्राइस देने पड़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक्स की एंड इसके कुछ एक्सटीरियर के फीचर्स की। लुक्स के मामले में बात करें तो एक बहुत ही प्रीमियम SUV का लुक इसको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको तीनों ही साइड के लुक, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड रियर व्यू दिखने में शानदार लगते हैं। एंड हुंडई हमेशा कोशिश करती है कि अपने कस्टमर को एक जेन्युइन प्रोडक्ट बना के दें, तो उसी प्रकार से इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डुअल टोन इंटीरियर विद प्रीमियम मटेरियल एंड एम्बिडियंट लाइटनिंग के साथ आपको इसका इंटीरियर मिल जाता है। इसकी लाइटनिंग की बात करें तो इसमें आपको हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स दोनों ही LED मिल जाएंगी। विंडोज की बात करें एंड मिरर की बात करें तो आपको पावर विंडो एंड मिरर्स मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आपको इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके वेरिएंट की बात करें तो 6 डिफरेंट वेरिएंट में ये गाड़ी आपको उपलब्ध हो जाती है। कलर वेरिएंट की बात करें तो 7 डिफरेंट कलर टोन में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। एंड ओवरऑल गाड़ी की बात करें तो परफॉर्मेंस एंड फीचर्स के मामले में गाड़ी बहुत ही शानदार है। इसके व्हील बेस की बात करें तो 2500 mm का आपको इसमें व्हील बेस मिल जाता है। हाइट की बात करें तो 1617 की इसमें आपको हाइट मिल जाएगी। इसके कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डी कट स्टेयरिंग मिलने वाला है, डुअल टोन इंटीरियर मिल जाएगा, इसके जो मैट्स हैं वो भी फ्रेंड्स 3D डिज़ाइन किए गए हैं। उसके साथ ही इसमें आपको एम्बिडियंट लाइटनिंग मिल जाएगी, पोटी मेटल पैडल मिल जाएंगे और डोर हैंडल्स में भी आपको मेटल फिनिश मिल जाएगी अंदर की तरफ से, एंड फ्रंट एंड रियर में आपको डोर मैप पॉकेट्स भी दी गई है। उसके साथ ही आपको सीट बैक पॉकेट्स भी दी गई है। पैसेंजर साइड पर फ्रंट मैप लैंप्स मिल जाएंगे एंड रियर पार्सल ट्रे मिल जाएगी। ये हैं कुछ एडिशनल फीचर्स जो आपको नॉर्मली हर कार में नहीं मिलते हैं, गिनी चुनी कारों में आपको मिलते हैं। हुंडई ने अपनी कार में भर भर के फीचर्स दे रखे हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक गाड़ी में सेफ्टी ही जरूरी होती है। तो देखते हैं हुंडई ने अपनी गाड़ी में क्या क्या सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। एयरबैग्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे, रियर कैमरा मिल जाएगा विथ गाइडलाइंस, फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट मिल जाएंगी ड्राइवर एंड पैसेंजर के लिए। इसके साथ ही आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा जिसको हम ABS बोलते हैं, एंड इसके साथ ही आपको EBD की सुविधा भी मिल जाती है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो लगभग सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं, बट इसमें आपको 6 एयरबैग की सुविधा मिल रही है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है सेफ्टी के मामले में। इसके व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं जो कि इसकी लुक्स को और ज़्यादा एनहांस करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की एंड इन्फोटेनमेंट सिस्टम की। इसमें आपको 8 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगी, इसके साथ ही इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी मिलेगी एंड एप्पल कारप्ले जैसी सुविधा भी मिल जाती है। स्पीकर्स की बात करें तो 4 इसमें स्पीकर्स मिल जाएंगे, इनबिल्ट ऐप मिलेगी ब्लू लिंक की। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मल्टी रीजन लैंग्वेज मिल जाएगी एंड एम्बिडियंट साउंड मिल जाएगा नेचर का। इसके साथ ही आपको मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील की सुविधा भी मिल जाती है। एंड इंटीरियर में इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, एडिशनल फीचर्स मिलने वाले हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। तो एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिल जाएगा हाइट ओनली, यानी कि सिर्फ हाइट पर हम स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। रियर सीट हेडरेस्ट जो होता है फ्रेंड्स वो भी आपको एडजस्टेबल मिलेगा इसमें, और रियर सीट आप फोल्ड कर सकते हैं 60:40 के रेशियो में स्प्लिट कर सकते हैं हम इसको, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ सामान वगैरह रखना हो तो आप उसको फोल्ड करके गाड़ी में सामान रख सकते हैं। उसके साथ ही आपको इसमें USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा फ्रंट में भी एज वेल एज रियर में भी। सेंट्रल कंसोल आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद स्टोरेज
अच्छी खासी स्टोरेज इसमें आपको मिल जाती है, उसके साथ ही आपको इसमें आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। इसके बूट स्पेस की बात करें 350 लीटर का आपको इसमें बहुत ही शानदार बूट स्पेस मिलने वाला है। तो ये हमने बात कर ली इसके इंटीरियर की, इसके एक्सटीरियर की एंड इसके एडिशनल फीचर की। अब हम चलते हैं इसके इंजन की तरफ और जानते हैं कि कितने प्रकार के आपको इसमें इंजन मिलेंगे एंड अंत में बात करेंगे दोस्तों इसके प्राइस की। तो इसमें आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन मिल जाते हैं, जिसमें पहला है कापा 1.2 MPI पेट्रोल वेरिएंट, सेकंड है U2 1.5 लीटर का CRDI VGT डीजल इंजन एंड थर्ड है कापा 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन। तो इसमें आपको डीजल इंजन की भी सुविधाएं मिल जाती है एंड टर्बो पेट्रोल इंजन की भी सुविधा मिल जाती है, जिसमें आपको बहुत ही शानदार एक्सेलरेशन मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो कापा 1.2 लीटर MPI पेट्रोल इंजन में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। इसके साथ ही U2 1.5 लीटर CRDI VGT डीजल इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा एंड जो इसका थर्ड इंजन है कापा 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन, उसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिल जाता है। इसके ब्रेक्स की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई इसकी ओवरऑल जानकारी। अब फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की कि ये गाड़ी आपको बेस वेरिएंट से लेके इसके टॉप वेरिएंट तक कितने रुपए की पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे पहला इंजन का वेरिएंट है कापा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, वो आपको 7,94,100 रुपीस का एक्स शोरूम पड़ रहा है इसका सबसे पहला वेरियंट। ऑन रोड की बात करें तो 8.55387 लाख रुपीस का पड़ जाएगा, यानी कि 8,55,390 रुपए के आसपास आपको ये ऑन रोड पड़ जाएगा। और फ्रेंड्स, जो इसका टर्बो पेट्रोल इंजन वेरिएंट है वो आपको एक्स शोरूम पड़ेगा 8,23,100 रुपीस का एंड ऑन रोड पड़ेगा 8,86,417 रुपीस का। इसके डीजल वेरिएंट की बात करें तो ये आपको एक्स शोरूम पड़ेगा 10,70,700 रुपीस का एंड ऑन रोड पड़ेगा 12,26,298 रुपीस का। एंड ये प्राइस फ्रेंड्स मैंने आपको दिल्ली के बताए हैं, आप अपनी सिटी में एक बार प्राइस जरूर कंफर्म कर लें क्योंकि अलग अलग स्टेट एंड सिटीज में प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो ये थी ओवरऑल जानकारी इसके इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, एडिशनल फीचर्स की, इंफोटेनमेंट सिस्टम की, इसके प्राइस की, इसके इंजन वेरिएंट की। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप तक ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जानकारी पहुंचाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलेंगे नई वीडियो की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।